पंजाब कांग्रेस की ओर से चंडीगढ़ में विधानसभा सत्र के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिद्धू, कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस की ओर से शिरोमणि अकाली दल पर हमला बोला गया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने जलियांवाला बाग गोलीकांड में सुंदर मजीठिया को देश का गद्दार भी बताया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बुक पढ़ते हुए कहा, खालसा समाचार सुंदर सिंह चलाते थे, जिसमें सुंदर सिंह ने लिखा है कि जो अंग्रेजों के खिलाफ है वो कानून के खिलाफ है। इट्स द एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी ऑफ दोज हु रिस्क्ड देयर लाइव्स इन सेविंग द गोरा साहिब्स एंड देयर फैमिलीज एंड कंडेम्ड पॉपुलर अनरेस्ट एज इररिस्पॉन्सिबल एक्ट्स ऑफ मिसगाइडेड इंडिविजुअल्स। खालसा समाचार सुंदर सिंह मजीठिया चलाउंदा सी और कहंदा सी कि जेडे गोरियां दे खिलाफ ने, वो क्राउन दे खिलाफ ने, वो साडे नाल नहीं खड़े हो सकदे। वफादारी देख लो, देशभक्ति देखो, इन्हों की पोकड़े ने खोल आज। ये मेरे भाजी की दिल की आवाज सी, मेरे भाजी बहुत बोले सी, ये ऑनर भाजी ही मिलना चाहिए है। मेरी मंजी कितना ठोकनी है, तुझे ठोको। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिरोमणि अकाली दल ने विक्रम मजीठिया की अध्यक्षता में मीडिया से रूबरू हुए और सिद्धू के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जौकरों की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने वायदा किने कीता सी जाके नौकरी दा, काट परिवारां नाल नौकरी दा वायदा नवजोत सिंह सिद्धू ने कीता सी। मंत्री ऑन रिकॉर्ड कॉल टेंशन ते जवाब दे रहा है कि कोई नौकरी नहीं मिली। मैं उस गल उजागर करा कि मैं बकाऊ बन जा, मैं ना चुका उन्हें गरीबा की गल। तो जे मैं गरीबा की गल चुकी, पहली बारी देखो कानून की धज्जियां उड़ाई गई ने, तो मंत्री तू तो मिर्चा लगनिया ने, रिकॉर्डिंग सामने, करोड़ों की ठगी सामने, तो आ थिएटरिक चलती है, लाफ्टर शो चलता है, मैं ठोक दूँ, मैं कर दूँ, ठोक दे फिर लिव बाय एग्जाम्पल, नहीं तो ठोको ताली फिर असी की अंदर कि अंदर तो फिर ठोको ताली चली है कि यह ड्रामा ही चलता है। कपिल शर्मा शो तो बाहर हो गए देश द्रोह के कमलों से, इतने कपिल शो बना के रखता है सारी विधानसभा। मैनू बड़ा दुख है।